पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सपा में टिकट को लेकर 24 घंटे चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद तस्वीर बदल गई। नामांकन के आखिरी दिन बुधवार को एन वक्त पर सपा का सिंबल और सांसद डॉक्टर एस टी हसन के टिकट निरस्तीकरण का पत्र लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची पूर्व विधायक रुचि वीरा ने नामांकन कर सभी को चौंका दिया। दिन भर इस घटनाक्रम को लेकर सभी की निगाहें कलेक्ट्रेट पर टिकी रही। सपा में टिकट को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामे की शुरुआत मंगलवार को सांसद डॉक्टर एस टी हसन के नामांकन पत्र भरने के बाद शुरू हो गई थी। उनके नामांकन करने के बाद दिन भर टिकट कटने की चर्चाएं होती रही। हालांकि पार्टी के किसी पदाधिकारी की ओर से उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई थी। मंगलवार की शाम 5 बजे शहर में खबर फैल गई कि आजम खान की करीबी बिजनौर की पूर्व विधायक रुचि वीरा को पार्टी का सिंबल मिल गया है। इससे गुस्साए सपा के कुछ समर्थकों ने मंगलवार की रात रुचि वीरा वापस जाओ के नारे लगाते हुए फैजगंज चौराहे पर उनका पुतला फूंक दिया। देर रात सपा के समर्थक सांसद के आवास पर डटे रहे। इसके बावजूद सांसद समर्थकों को लगा कि उनका टिकट कटा नहीं है। बुधवार को दिन भर सपाइयों की नजर कलेक्ट्रेट पर टिकी रही। दोपहर 1:15 के करीब रुचि वीरा 4 समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची। इसके बाद नामांकन कक्ष में दाखिल हुई, जहां सपा के सिंबल के साथ डॉक्टर एस टी हसन के सिंबल निरस्तीकरण के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जारी पत्र को दिखाया, फिर नामांकन प्रक्रिया पूरी की। क्या है मुद्दे रहने वाले हैं? ये विकास का मुद्दा है, भाईचारे का मुद्दा है, ये मुद्दे हैं। संविधान को बचाने का मुद्दा है, डेमोक्रेसी को बचाने का मुद्दा है। लगातार एक तरफ से स्टेशन भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने नामांकन कराया, उनका टिकट हो गया, हालांकि आपने नामांकन करा दिया, तो क्या लगता है आपके दावेदारी? देखिए, ये तो पार्टी के जिम्मेदार लोगों से पूछिए और जो यहाँ आरओ हैं उनसे पूछिए। मैडम, मुरादाबाद से अभी तक कोई महिला नहीं खड़ी हुई है, क्या आप किस तरह से आप इसको देखती हैं मुरादाबाद की सीट को? देखिए, महिलाएं किसी भी क्षेत्र में अपने आप को साबित करती हैं और इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, चाहे राजनीतिक रूप से हो। देखिए, आज की तारीख में भी हमारी जो प्रेसिडेंट हैं हमारी, वो भी महिला हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री भी महिला रह चुकी हैं, विभिन्न पदों पर, विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे कोई किसी सिंगिंग का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपने आप को, स्पोर्ट्स पर्सन हो, हर जगह महिलाओं ने अपने आप को साबित किया है और मेहनत करती हैं, ईमानदारी से काम करती हैं, तो महिलाएँ आनी चाहिए। आधी आबादी है देश की। जिस तरीके से कल आपका घोषित हुई, तो लगातार मुरादाबाद में जो आपके खिलाफ नारेबाजी की गई थी, क्या उन समर्थकों के खिलाफ? मुझे तो हर तरफ से मुबारकबाद आ रही है, हर तरफ से दुआएं मिल रही हैं, हर तरफ से प्यार मोहब्बत मिल रहा है, तो मैंने तो कहीं आवाज़ें नहीं सुनी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें आपका, अरे वो होली का दहन हो रहा था भाई, वो आपने गलत जानकारी मिली होगी। समय कम है, मुरादाबाद जिला बहुत बड़ा है, किस तरीके से हैंडल करेंगे आप सब तो हैं, और मेरे लिए कोई नया नहीं है ज़िला, मैं यहीं पड़ी हूँ, मेरा सारा खानदान यहाँ रहता है, बचपन से आई हूँ, गई हूँ, गली मोहल्ले सब पता है। विभिन्न मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हर जगह जी राष्ट्रीय के मुद्दे तो बहुत हैं, जिस हर लोकसभा क्षेत्र में इस शहर के विभिन्न मुद्दे क्या? देखिए, काम करने के वाले के लिए कोई सीमित दायरे नहीं होते, उसको तो काम करना होता है। जैसी जैसी दिक्कतें सामने आएंगी, उनका वैसे वैसे समाधान किया जाएगा। मेरे परिवार के बारे में भी आप लोग सब सोशल मीडिया में भाई सब एक्टिव हैं आजकल, मेरे भी शिजरा निकाल के, मेरी भी हिस्ट्री निकाल के देखिए, हम लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, अपने इलाके के लोगों को शिक्षित करने का काम किया है। आज से नहीं, कम से कम 75-80 साल से मेरी फैमिली लोगों को एजुकेट करने का काम कर रही है, एम्प्लॉयमेंट देने का काम कर रही है, विकास करने का। जो बिजनौर में जितने भी पुल बने हैं, जितने भी रास्ते बने हैं, मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, मेडिकल कॉलेज बना है, तो मेरे परिवार का हमेशा से ही मकसद क्षेत्र का विकास करना, सब लोगों में भाईचारा कायम करना, सबको बराबर नज़र से देखना, तो ये मेरे परिवार का हमेशा से ही काम रहा है और यही उसी तर्ज पर आगे काम करने की भाई। ये 1000 बार अब तक ये सवाल पूछ चुके हैं भाई, इस सवाल से बाहर आइए, अब आगे सब लोग दुआ, सब लोग भाई, तो ये कौन क्लियर करेगा भाई? मैं अभी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सिंबल लेकर, AB फॉर्म लेकर,
उनका पहले पर्चे का पहले जो नेबी फॉर्म था उसका कैंसिलेशन लेटर लगाकर अपना पर्चा भर के आई हूँ। बाकी ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता सकते हैं, या भाई जब नामांक उसके प्रक्रिया के पहले सवाल का जवाब पूरा सुन लीजिए या सवाल ही खाली आपको करना है, भाई मेरी पूरी बात सुन लीजिए। तो ये तो जब सिंबल मिलेगा भाई ये तो उस वक्त क्लियर हो जाएगी बात। मैं अपना भर के आई हूँ, मैं उनको कुछ नहीं कह रही, मेरे भाई हैं वो भी भाई यहाँ वर्तमान पिछले समय में यहाँ सांसद रहे हैं, जिम्मेदार हैं, उनका उनसे भी कभी हम सम्मान करते हैं, उन्हें भी हम भाई अपना बड़ा भाई मानते हैं। तो स्टेशन साहब आपसे मिलने आएंगे अब? अरे मैं उनसे मिलने जाऊंगी भाई, वो क्यों आएंगे, मैं जाऊंगी मिलने। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।